तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेंड वीडियो के लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक पे इस टाइप का वीडियो जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसमें होता क्या है, जो बैकग्राउंड जो है काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में। आज की वीडियो में इसी का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, कलर बैकग्राउंड किस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन से काइनवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं आपको मोबाइल को होम स्क्रीन पे, मैं वहाँ पर बताता हूँ स्लो मोशन वीडियो के साथ एक कलर बैकग्राउंड कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन से कैनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हमें रिमूव करना है। तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद हमें फिर से वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इससे हमारा राइट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो भी रिमूव हो चुका है। इसके बाद वीडियो में हमें करना है स्लो मोशन। तो दोस्तों जो भी वीडियो में स्लो मोशन करना है उस पर देख लेना है। तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्प्लिट टू प्ले हिट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से हमें कैंची के निशान पे क्लिक करना है, स्प्लिट टू प्ले हिट कर लेना है। चलो मैं फटाफट कर देते हैं। और इसके वाले फर्स्ट वाले पार्ट को हमें स्लो मोशन नहीं करना है, सेकेंड वाले पार्ट को स्लो मोशन करना है। फिर से हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें स्लो मोशन वीडियो को कर देना है। इसके बाद सेकेंड थर्ड वाले वीडियो को नहीं करना है, फोर्थ वाले वीडियो को करना है। तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, पहले हम स्प्लिट टू प्ले हिट करते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हमें स्लो मोशन वीडियो कर लेना है। तो इस तरह से वीडियो को आप स्लो मोशन कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो जो है स्लो मोशन हो चुका है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना है, तो वीडियो पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक से वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो में जो भी आइडियो है, आइडियो आपको बाहर आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमें आइडियो वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसे लास्ट तक लेकर आना है। और इसके बाद इस वीडियो को हमारा काम हो चुका है, तो वीडियो को कर देना है डिलीट। इसका जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर सकते हैं या फिर इसे अंदर हल्का कम कर देते हैं। तो इस तरह से मेरा वीडियो जो यहाँ पर पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके बाद डन करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद हमारा सेकेंड एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा, तो मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। तो आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बैक कर लेना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद ओपन गैलरी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वीडियो जो आपने एक्सपोर्ट की हो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको टॉप 20 का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं अप्लाई करके देखता हूँ और इसका इस वाले पे क्लिक करते हैं, जिस जो भी कलर आप चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसके बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो हमारा वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपको।